क्या आपने जर्नल नर्सिंग मेडवाइफरी कर ली है या ओटी टेक्नीशियन हो या डीएमएलटी कर ली है तो आज का वीडियो आप सबके लिए होने वाला है, क्योंकि अगर आपने अभी तक इंतजार किया है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी के लिए, अलग अलग आयुर्वेद संस्थानों में वैकेंसी के लिए, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। और ये जो वैकेंसी अपडेट है, मैं अपने चैनल पे एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, और ये आशा करता हूँ कि ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसी वैकेंसी आई है और क्या किस तरह की अपडेट है जो मैं आपको देने वाला हूं। तो ये जो वैकेंसी है JNIMS भर्ती, तो जवाहर नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान ने वैकेंसी निकाली हुई है अलग अलग सीट्स पे। तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जो कि 53 पोस्ट है, मतलब कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है 53 पोस्ट पे आयुर्विज्ञान जवाहर आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्टाफ नर्सों के लिए 53 पद निकाले हुए हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए 4 पद है, सीएसएसडी टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, और स्वीपर के लिए 52 पद है, और मैनिफोल्ड बॉय के लिए 2 पद है। स्वीपर के लिए 52 पद है और मैनिफोल्ड बॉय के लिए 2 पद है। तो टोटल जो वैकेंसी आई है इस समय, अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसी, मतलब कि टोटल जो वैकेंसी है 113 पदों पे होनी है, 113 रिक्तियां हैं, और 113 जो वैकेंसी है आई हुई है, जिसमें स्टाफ नर्स की 53 पोस्ट है, ओटी टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है, सीएसएसडी टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 2 पद है, स्वीपर के लिए 52 है, 52 पद है, मैनिफोल्ड बॉय के लिए 2 पद है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 113 आई हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट जॉब के लिए आपको चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहली जो रिक्वायरमेंट है स्टाफ नर्स के लिए, तो जो भी स्टाफ नर्स है वो किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज से जो कि पंजीकृत है, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, तो वहां से आपको जीएनएम का कोर्स करना है, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई होगी, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या आप बीएससी नर्सिंग हो और किसी पंजीकृत कॉलेज से आपने ट्रेनिंग की हुई है और आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन, तो उनकी जो मान्यता है, उनका जो ओटी टेक्नीशियन है उनके लिए डीएमएलटी की डिमांड है, डीएमएलटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने डीएमएलटी किसी पंजीकृत पैरामेडिकल कॉलेज से की हुई है और आपने कहीं प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ये भी आप वैकेंसी आपके लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्वीपर और मैनिफोल्ड बॉय के लिए, तो मैनिफोल्ड बॉय और स्वीपर के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, बस रिक्वायरमेंट जो है 10th पास की है, और अगर अपियरिंग में भी कोई 10th है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो भी वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है वो इंटरव्यू बेस्ड है, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो वैकेंसी है इंटरव्यू बेस्ड है, और इंटरव्यू पे ही ये वैकेंसी, जो भी नियुक्तियां करनी है वो इंटरव्यू पे ही होगी। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप में अगर योग्यता है, आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डेट जो लेकर के, डेट जो सामने आ रहा है कि लास्ट डेट, इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, जैसे कि मैंने सब बता दिया कि कैसे आपको रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इस पोस्ट के लिए है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और जॉब के लिए क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैंने बता दिया, और कैसी वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, तो जो भी चीजें मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट जो चीज है कि डेट, लास्ट डेट इस फॉर्म का कब है, तो लास्ट डेट आपको इस फॉर्म का, जो भी जिनको भी अप्लाई करना है, लास्ट डेट 14 जून है, लास्ट डेट 14 जून है, यानी कि कल आपको ये जो फॉर्म है कल तक भर करके जमा कर देना है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको जाइए और भर दीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में इस फॉर्म को भरने के लिए मैं लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप उस डिस्क्रिप्शन से जा करके, उस लिंक से आप जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यह है मैंने क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है इस वैकेंसी के लिए। तो आगे चलते हैं और जानते हैं कि एज की क्या डिमांड है, एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर होनी चाहिए,
और जो लोग एससी और एसटी कोटा से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पहले की तरह हर वैकेंसी की तरह 5 साल की जो छूट है एज में मिलेगी, 5 साल की छूट दी गई है। उसी तरह से अगर ओबीसी के लिए देखें तो जैसे हर वैकेंसी में ओबीसी के लिए भी एज की कुछ जो है छूट मिलती है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपकी एज 38 ईयर हो गई है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपकी एज 38 ईयर है, आप भी फॉर्म भरना चाहते हो, तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर जनरल कैंडिडेट हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपकी एज 38 ईयर हो गई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट जो अप्लाई करने का जो एज बाउंडेशन है वो 38 ईयर ही है। अगर आप 38 ईयर से थोड़ा भी अगर पास कर गए, थोड़ा भी ज्यादा अगर हो गए हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक बार और बता दूं, नहीं है तो आप अगर 38 ईयर के हो, जनरल के हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 38 ईयर से अगर 1 डे भी अगर आपने क्रॉस किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ए बता दिया कि जवाहर आयुर्विज्ञान संस्थान ने वैकेंसी निकाली हुई है 113 पदों पे, और 113 पदों पे पोस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें मैंने बता दी। तो अगर आप को लगता है कि आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तो आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको साइट दी गई है, आप वहां से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 14 जून ही है, मैंने बता दिया लास्ट डेट 14 जून यानी कि कल। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपको एक अच्छा जो अपॉर्चुनिटी जो मिली थी वो आप खो दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपके पास इस जॉब को लेने की रिक्वायरमेंट है, आप इस पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हो, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।